नमस्कार दोस्तों, तो आप सभी के साथ फिर से मैं आई हूँ मेरा बापू धाम मेरे कर्तव्य में, जिसमें हम सब रोज मिलते हैं, रोज एक दूसरे की बातों को समझते हैं, सुनते हैं और रोज आगे इस जिंदगी को बढ़ाते हैं। जी हाँ दोस्तों, कोविड-19 कोरोना वायरस के टाइम पे हम सब घर बैठे एक दूसरे को सहयोग देते हुए, एक दूसरे की बातों को समझते हुए, अपने आप को समझाते हुए, दूसरों को समझाते हुए, हम इस समय जो ये गुजर रहा है उसे अच्छी तरह और गुजार सकते हैं। तो दोस्तों, इस समय के दौरान में हमने अपने बापू धाम के प्यारे प्यारे बच्चों को चुना है, वो बच्चे जो घर में बैठे हैं, वो बच्चे जो घर की चार दीवारी में बैठकर कितना कुछ कर सकते हैं, उसके लिए हमने मेरा बापू धाम मेरे कर्तव्य में स्पेशली बच्चों के लिए ये प्रोग्राम आयोजित किया है। तो दोस्तों, जैसे कि आप सब लोग इस बात से अवगत हैं कि हम ये प्रोग्राम अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, जिसमें अभी तक जो बच्चों ने हमारे साथ सहयोग दिया है, बापू धाम के बच्चों ने, जी हाँ दोस्तों, बापू धाम कॉलोनी के बच्चे जो अपने घरों में बैठकर ये सब काम कर रहे हैं और हमें उसमें बहुत बहुत मदद कर रहे हैं, वो प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों ने अभी तक हमें क्या क्या भेजा है, हम आप सबको फिर से बताना चाहते हैं। इन नन्हे नन्हे कलाकारों ने अपनी बहुत प्यारी प्यारी संगीत से, गीतों से हमें खुश किया है, फिर अपने डांस परफॉर्मेंसेस हमें भेजे हैं, और तो और दोस्तों, आज के इस प्रोग्राम में इन्होंने हमें अपने द्वारा लिखित जो कविताएं हैं, कोविड पे इन्होंने कोरोना वायरस पे कहीं कहीं से कविताएं लिखी हैं, देखी हैं, सुनी हैं, उन्हें अपने ही शब्दों में फिर आप तक पहुंचाया है। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने लाई हूं परिणाम, जी हाँ, रिजल्ट, सबसे पहले उन बच्चों का जिन्होंने हमें अपनी ऑडियोज और वीडियोज भेजी हैं, स्पेशली उन चीजों के लिए जो कि घर बैठे इन्होंने की हैं। तो इन सब बच्चों ने कल, हमने इनको काम दिया था कि आप घर बैठे अपनी अपनी कविताओं को रिकॉर्ड कीजिए, वीडियो को रिकॉर्ड कीजिए और हमें नंबर पे भेजिए, और उस नंबर पे उन्होंने सब ने हमें भेजा। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी कि किन किन बच्चों ने हमें अपनी कविताएं भेजी हैं। तो ये सारे बच्चे बापूधाम कॉलोनी के हैं, शिव, संध्या गुप्ता, खुशी, प्रिया, शशि, सिमरन, संध्या सक्सेना, आरती और ऐसे बहुत सारे और भी बच्चे हैं जिन्होंने हमें अपनी कविताओं को भेजकर हमें बहुत बहुत प्यारी प्यारी बातें समझाई हैं, सुनाई हैं। तो दोस्तों, आज हम इनके रिजल्ट की बारी करते हैं। तो रिजल्ट में जैसे आपको पता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हमेशा निकलता है। तो अब हम आपको बताने वाले हैं कि कविताएं तो हम आपको सुनाएंगे, जी हाँ, मेरी आवाज के बाद आपको इनकी प्यारी प्यारी कविताएं जरूर सुनने के मिलेगी और हर एक बच्चे की सुनने के मिलेगी। ये नहीं कि वो फर्स्ट आया है तो उसी की ही मिलेगी, हम हर एक बच्चे की आवाज आप तक पहुंचाएंगे, ताकि माँ बाप, ताकि उनके दोस्त, ताकि उनके रिलेटिव्स, ताकि आप सब बापूधाम निवासी सोचिए कि इस कोरोना वायरस के टाइम पे भी हमारे बच्चे कितने कितने पॉजिटिव हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर सीखना है तो अपने बच्चों से सबसे पहले सीखना है, वो कितना जिंदा दिल है, वो कितना अपनी जिंदगी को खुशनुमा तरह से जीते हैं, ये शायद हम जीना भूल गए हैं। तो अब मेरा निवेदन है कि आप सब भी ध्यान से इनकी आवाजों को सुनिएगा और इनकी गहराई से मतलब को समझिएगा। तो रिजल्ट टाइम आ गया है, तो सबसे पहला फर्स्ट जो प्राइज जाता है वो है शिव को जाता है। शिव ने बहुत प्यारी कोरोना वायरस पे हमें पोयम लिखी है और भेजी है, जो हम आपको सुनाएंगे। फिर जाता है दूसरा फर्स्ट प्राइज प्रिया को, जिन्होंने बहुत ही प्यारे ढंग से हमें अपने कोरोना की कहानी और कविता सुनाई है। फिर शशि, जो 10 साल की हैं, उन्होंने कितने प्यारे तरीके से हमें कोरोना के बारे में समझाया है और सुनाया है, ये आप सब सुनेंगे। अब आती है बारी सेकंड प्राइज की। जी हाँ दोस्तों, सेकंड प्राइज में हमारी खुशी है, जो कोरोना पे पोयम जिन्होंने हमें सुनाई है, संध्या गुप्ता है वो भी सेकंड प्राइज लाई हैं, सिमरन वो भी सेकंड, और संध्या सक्सेना और आरती भी सेकंड है। जी हाँ दोस्तों, इन सभी को हमने सेकंड प्राइज इसलिए दिया है कि बच्चे कितने कितने हिम्मत से, अपनी मोटिवेशन से यहाँ तक अपना काम करते हैं, तो हम उन्हें कुछ ना कुछ देकर उनके आत्मबल को बढ़ाते हैं। तो आज की प्रतियोगिता के लिए आप तैयार हो जाइए। जी हाँ दोस्तों, आज की प्रतियोगिता के लिए आपको करना क्या है, आपको घर बैठना है, सबसे पहले तो आपने सोशल डिस्टेंसिंग मनानी है और तो और अपने मास्क को पहनना है, दूसरों को भी कहना है
और अपनी बातों को फोन के द्वारा ही एक दूसरे के साथ करना है, मिलना जुलना बिल्कुल नहीं है। जी हाँ दोस्तों, अपने घर में ही रहना है, दूर से ही दुआ सलाम करनी है और इन बातों को अपनाते हुए अपने कोरोना के टाइम को बहुत अच्छी तरह से बिताना है। तो आज जो प्रतियोगिता है दोस्तों, वो प्रतियोगिता है कि आप सब बच्चे, जी हाँ बच्चों के लिए फिर से प्रतियोगिता लाए हैं। तो हम आज बच्चों को कोई काम ऐसा दे रहे हैं जिसमें उन्होंने अपनी वीडियो रिकॉर्ड करनी है। आज हमें कोई ऑडियो नहीं चाहिए, जी हाँ बच्चों, हमें आपकी वीडियोस चाहिए। तो वीडियोस में आपने बताना है कि आप किस तरह से कोरोना के टाइम पे अपने माँ बाप की सेवा कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, जी हाँ बच्चों, आप किस तरह से अपने माँ बाप को सवेरे से लेकर रात तक सहयोग दे रहे हैं। तो आपने करना क्या है, आपने अपनी वीडियो रिकॉर्ड करनी है, सबसे पहले अपना नाम बताना है, अपनी उम्र बतानी है और अपना पता बताना है, ताकि उस पते तक हम पहुंचे और आपको आपके गिफ्ट्स पहुंचा पाए। तो आपने अपने पता बताना है, फिर आपने बताना है कि मैं अपनी माता जी की सवेरे से लेकर रात तक इन इन कामों में मदद करती हूँ और मैं अपने पिता की इस तरह से सहयोग देती हूँ। और बच्चों, इन कामों में जरूरी नहीं कि काम ही हो कि सहयोग देने में, कभी कभी हम अपने माँ बाप की सेवा, उनकी बातों को सुनकर, उनकी बातों को समझकर, उनकी परेशानियों को समझकर, उनको समझाकर भी कर सकते हैं। तो आप किस तरह से शारीरिक मानसिक रूप से अपने पेरेंट्स की मदद कर रहे हैं, वो वीडियो हमें जरूर जरूर भेजिए और उन वीडियोस में से हम फिर फर्स्ट सेकंड और थर्ड रिजल्ट आपको कल तक पहुंचाएंगे। तो आप सभी के लिए ये अपॉर्चुनिटी है बच्चों, फिर से शामिल होइए और अपना हमें सहयोग दीजिए। अब आपके पास बैक टू बैक जो परफॉर्मेंसेस हैं, जो पोयम हैं, जो बच्चों ने हमें भेजी हैं, वो आपको सुनने को मिलेगी। तो आपके पास आएंगी शिव, संध्या गुप्ता, खुशी, प्रिया, शशि, सिमरन, संध्या सक्सेना और आरती की आवाज में बहुत प्यारी प्यारी कविताएं। तो सुनिएगा और सुनते रहिए मेरा बापूधाम मेरा कर्तव्य। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिव है। मैं आज आपके सामने अपनी खुद से बनाई हुई कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मुझे आशा है आपको ये कविता पसंद आएगी। कोरोना वायरस को तीसरा विश्व युद्ध कहा गया, सबने यह ऐलान किया। कोरोना वायरस से हैं सारे परेशान, नहीं है इसका कोई समाधान। भारत में रोज निकल रहे हैं 5,000 केस, आर्थिक स्थिति बिगड़ी सभी के देश। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन संजीवनी बूटी का आया, इसने अपना बहुत असर दिखाया। सारे देश पहले देखते जहान, पर भारत बचाता सबकी जान। मोदी जी ने बनने को कहा आत्मनिर्भर, मुसीबत है अब सभी के ऊपर। कहा जाता है चीन ने इसको बनाया था जैविक हथियार, पर यह वायरस अदृश्य होकर करता है सब पर वार। WHO ने इस वायरस का नहीं बताया राज, अब सारे देश इससे नाराज। अब 10 करोड़ से ज्यादा लोग होंगे बेरोजगार, सभी गरीबों पर आया बहुत ज्यादा भार। 2 मीटर की बनाए दूरी, ये करोना है अदृश्य छुरी। भारत का सभी लोग देंगे साथ, ना देखेगा कोई धर्म, ना देखेगा कोई जात पात। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सिमरन है, मैं बापूधाम कॉलोनी की निवासी हूँ। आज मैं आपके सामने एक कविता पेश करने जा रही हूँ, आशा है आपको ये पसंद आए। खौफ छा गया चारों ओर, कोरोना ने तोड़ा हर लो, बनकर आया ये काल, सबका कर दिया बुरा हाल। सबको माने ये समान, हर कोई इसका प्रिय मेहमान। खांसी जुकाम बुखार के लक्षण दिखाए, संक्रमण को तेजी से फैलाए। विश्व में आ गई विपत्ति भारी, सारी दुनिया इससे हारी। सैन्य शक्ति ने घुटने टेके, व्यापार के सब रास्ते रोके। लॉकडाउन लग गया रातों रात, कोरोना से जंग लड़ने की शुरुआत। घर से अगर कदम निकाला, बनोगे कोरोना का निवाला। सड़क पर अगर घूमोगे, पुलिस के डंडों से झूमोगे। हर व्यक्ति है इससे परेशान, देश का कर रहा नुकसान। सब हो जाओ अब सावधान, यही है इसका सही प्रावधान। कोरोना वॉरियर्स का मुख्य योगदान, देश देता उनको सम्मान। लाखों ने गवाई अपनी जान, कम पड़ गई आज शमशान। चीन अपनी आदतों से मजबूर, महामारी में उसका कसूर। देश को अच्छा गुमराह किया, चमगादड़ों का बयान दिया। घटिया किस्म के मास्क बेचे, दूसरे देशों से पैसे ऐठे।
दुख देना उसको भाता, महामारी से उसका नाता, अमेरिका ने अपनी शान गवाई, अब चाहिए उसे दवाई, भारत अपना देश महान, संकट में बचाए सबकी जान, क्लोरोक्वीन का उपाय दिया, दूसरे देशों में निर्यात किया, कोरोना को हराएंगे, देश को बचाएं। मेरा नाम आरती, मैं बापूधाम कॉलोनी की निवासी हूँ। आज मैं अपने द्वारा लिखी गई कविता आपको सुनाने जा रही हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये कविता पसंद आएगी। दूर दूर तक है परेशान, दूर दूर तक है परेशान, हर देश में मचा कोहराम, हर देश में मचा कोहराम, कोरोना है इसका बड़ा कारण, लड़ रहा इससे हर जहान, हिंदुस्तान भी है परेशान, भारतीयों ने भी दिया योगदान, हर किसी ने अपना ध्यान दिया, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन किया, कोरोना वॉरियर्स को सम्मान दिया, कुछ मूर्खों ने उन पर वार किया, पर मोदी जी ने इस पर ध्यान दिया, कोर्ट में उनको पेश किया, मजदूरों पर भी आफत छाई, उनको अपने गांव की याद आई, उनको भी क्वारंटीन किया और उनके घर छोड़ दिया, धन्यवाद, कोरोना को हराएंगे, देश को जिताएंगे। ऑल ऑफ यू, मेरा नाम संध्या है, मैं बापूधाम कॉलोनी सेक्टर 26 में रहती हूँ। मेरे घर का नंबर 562 फेस 1 है। मैं आपके सामने COVID-19 पर कविता सुनाना चाहती हूँ। यह ताज जो तूने पहने हैं जिससे तेरा नाम मिला, बीमार करके जान लेता है, क्या यही है तुझको काम मिला, आफत में डाला है पूरी दुनिया को तेरे नाम से, लोग डर रहे हैं तुझसे, संक्रमित होने वाले बेकसूर मर रहे हैं, हर सरहद को पार करके तू है फैल गया संसार में, कितनों का घर उजाड़ दिया, आसान नहीं है इलाज तेरा, तो क्या इंसान हार जाएगा, तुझे जड़ से काट फेंकेगा, हर हद के पार हो जाएगा, सुनसान पड़ा है शहर वो जो तेरी चपेट में आया है, जाने कब तक बरसेगा जो कोरोना का बादल छाया है, आओ मिलकर लड़ें इस कोरोना से, जब तक खत्म ना कर इस आफत को, सब मिलकर उनकी मदद करें जो तरस रहे हैं राहत को, साबुन सैनिटाइजर साथ रखिए, हाथ धोएं जितने जरूरी हों, कोरोना के सामने हमारी कोई कोशिश बेकार ना हो, वो जल्द से जल्द इलाज करवाएं जिन्हें खांसी जुकाम या बुखार हो, जरूरी नहीं कि कोरोना पॉजिटिव ही है या साधारण तरीके से बीमार हो, विदेश से आए लोग या जा रहे मजदूरों को कुछ कहकर ना अपमान करें, हाथ मिलाने से बचें और हाथ जोड़कर प्रणाम करें, अगर काम हो तो ही बाहर निकलें, क्योंकि घर में रहना ही ठीक है, सिर्फ युद्ध से हम सब मर सकते नहीं, यह हमारे लिए एक सीख है, डरे नहीं सावधान रहें, यह कुछ और दिनों की बात है, कोरोना क्या मारेगा हमें जब देश खड़ा एक साथ है, जय हिंद। नमस्कार, मेरा नाम संध्या गुप्ता है, मैं 366 मकान नंबर शास्त्री नगर मनी माजरा में रहती हूँ। मेरी उम्र 15 साल की है। मेरा संगीत है ऐ मेरे वतन के लोगों। मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरी प्रस्तुति पसंद आएगी। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा सोचो उस वतन को जिसकी गति रुकती नहीं थी, उस वतन में लगे ताले। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा सोचो उस वतन को जिसकी गति रुकती नहीं थी, उस वतन में लगे ताले। अब वक्त है आया हमको खुद की सुरक्षा पहले, एक मीटर की दूरी से कर ले प्रणाम तू उनको। ऐ मेरे वतन के
जरा सोचो उस वतन को जिसकी गति रुकती नहीं थी, उस वतन में लग गए ताले। दिल से है दुआएं उनको जो है इस देश के रक्षक, हम नमन करते हैं उनको जो देश पे है मरते। दिखा से जो काम अब कर आए तो करो इन्फॉर्म चिकित्सक को। संध्या करती है विवरण तुम हो इस देश के मस्तक। ऐ मेरे वतन के लोगों जरा सोचो उस वतन को जिसकी गति रुकती नहीं थी, उस वतन में लग गए ताले। गुड इवनिंग मैम, माय नेम इज संध्या गुप्ता, आई एम 15 इयर्स ओल्ड, माय हाउस नंबर इज 366 शास्त्री नगर मनी माजरा। माय पोएम इज ऐ दुनिया प्रकृति है तेरा सौंदर्य। सो लेट्स स्टार्ट। ऐ दुनिया प्रकृति है तेरा सौंदर्य, तेरे सौंदर्य में निकला है कैसा भद्र रंग। ऐ दुनिया प्रकृति है तेरा सौंदर्य, तेरे सौंदर्य में निकला है कैसा भद्र रंग। हो जो तेरे लाल के दुश्मन करती है तू उनको बद्र रंग। ओ जो तेरे लाल के दुश्मन करती है तू उनको बद्र रंग। ऐ दुनिया प्रकृति तेरा सौंदर्य, तेरे सौंदर्य में कैसा निकला है क्यों बद्र रंग। थे जो तेरे द्वार के रखवाले, थे जो तेरे द्वार के रखवाले, आज इस दुनिया ने क्यों कह दिए, आज इस दुनिया ने क्यों कह दिए मरने वाली। ऐ दुनिया प्रकृति तेरा सौंदर्य, तेरे सौंदर्य में कैसा निकला है ये भद्र रंग। तूने कैसा दुश्मन पाया ना मारने से भी मरवाया। तूने कैसा दुश्मन पाया ना मारने से भी मर पाया। कोरोना तूने क्या कहर बर पाया, सबको तूने बहुत रुलाया। ज्ञानी विज्ञानी शक्ति और महाशक्ति सबको तू घुटनों पर लाया। ज्ञानी विज्ञानी शक्ति महाशक्ति सबको तू घुटनों पर लाया। हर प्रकृति तेरे में क्या क्या जाने रंग है आया। ऐ दुनिया प्रकृति तेरा सौंदर्य, तेरे सौंदर्य में निकला ऐसा क्यों ये भद्र रंग। संध्या हो या प्रातः हो, संध्या हो या प्रातः हो, तूने अपना कहर बरसाया। संध्या हो या प्रातः हो, उनमें भी तूने कहर बरसाया। अरे प्रकृति तेरे सौंदर्य में ना जाने कितने रंग। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रिया सिंह है और मैं
14 साल की हूँ। मैं 155C Phase 3 बापूधाम कॉलोनी सेक्टर 26 चंडीगढ़ में रहती हूँ और मैं आज आप लोगों के लिए एक कविता लेके आई हूँ। वैसे तो ये कविता पर्यावरण के ऊपर है, पर मैंने इसके अंदर अपने शब्द जोड़कर इसे कोरोना वायरस कविता के रूप में पेश किया है। मैं आशा करती हूँ कि ये कविता आप लोगों को पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। बदले हम तस्वीर जहाँ की, सुंदर सा एक दृश्य बनाए। आओ कोरोना वायरस भगाए, आओ कोरोना वायरस भगाए। फैल रहा है खूब कोरोना, नहीं मान रहा है मानव गण। हवा हो रही है जहरीली, कमजोर पड़ रहा है सबका तन। समय आ गया है कि मिलकर हम सब कोई कदम उठाएं। आओ कोरोना वायरस भगाएं, आओ कोरोना वायरस भगाएं। हवा चाहिए शुद्ध ही सबको, नियम ना कोई अपनाता है। अनजाने में कोरोना वायरस को पास में खुद बुलाता है। एहतियात बरत कर आओ, सबको अब हम स्वस्थ बनाएं। आओ कोरोना वायरस भगाए, आओ कोरोना वायरस भगाए। मत समझो तुम इसको खेल, बस तुम रखो इतना याद। घर से निकलो तो रखो दूरी एवं मुंह पे मास्क। सब जीवों का हो कल्याण, इस उद्देश्य से अब हम जागरूकता फैलाएं। आओ कोरोना वायरस भगाए, आओ कोरोना वायरस भगाए। माता है ये धरा हमारी, हम सब इसका सम्मान करें। क्यों बिगड़ रहे हैं हालात इसके, इसका हम सब ध्यान करें। भला हो जिसमें सभी जनों का, आदत हम सब वह अपनाएं। कोरोना वायरस को दूर भगाकर धरती को आजाद कराएं। आओ कोरोना वायरस भगाएं, आओ कोरोना वायरस भगाएं। धन्यवाद। शशि, आई एम 10 years old। नन्नी सी जान हूँ पर बेजान नहीं, बेटी हूँ पर अनजान नहीं। कोरोना तेरे कहर से बेगान नहीं, करेंगे आजाद इस चमन को, बनाए रखेंगे इस वतन को। दोस्तों, मेरा नाम खुशी है, मैं बापूधाम की निवासी हूँ। मैं आपके सामने कोरोना पर कविता बोलूंगी। ये चीन से निकला कोरोना, ये चीन से निकला कोरोना। हर देश में फैला कोरोना, हर देश में फैला कोरोना। चीन ने हमसे ये बात छुपाई, इतनी बड़ी महामारी आई। चीन ने हमसे ये बात छुपाई, इतनी बड़ी महामारी आई। ना मिली इसकी कोई दवाई, ना मिली इसकी कोई दवाई। खतरनाक है ये कोरोना, अपने हाथों को रोज साबुन से धोना। धन्यवाद।